क्या आपको साइकिल चलानी आती है? मुझे तो आती है। पिछले एक हफ्ते से मैं अपनी नई साइकिल पर स्कूल जा रही हूँ। मुझे अपनी नई साइकिल बहुत 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 पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी सी नापसंद है। मेरी साइकिल सब बच्चों की साइकिल जैसी ही दिखती है। मैं चाहती हूँ कि वो अलग दिखे, सबसे अलग। मैं सोच रही थी कि अगर मेरी साइकिल के पहिए कुछ अलग आकार के दिखे, जैसे कि ये। पर जब मैंने अपने दोस्तों को ये शानदार आइडिया सुनाया तो वो सब मुझ पर ही हंसने लगे। फिर मैंने यही आइडिया अपनी दीदी को बताया। दीदी ने समझाया कि साइकिल को सही तरीके से चलने के लिए उसके पहियों के किनारे घुमावदार होने चाहिए। दीदी ने तो ये भी बताया कि सारे किनारे घुमावदार नहीं होते, जैसे कि त्रिकोण के तीनों किनारे सीधे हैं। वैसे किनारों को अंग्रेजी में एजेस कहते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि जहाँ दो किनारे मिलते हैं वहाँ एक कोना बनता है। मुझे नहीं पता था, मेरी दीदी ने बताया। अच्छा, कोनों को अंग्रेजी में वर्टेक्स या फिर कॉर्नर कहते हैं। चलिए अब बताइए, इस आयत आकार में कितने कोने और किनारे हैं? सोचिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। अच्छा ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। इसके चार किनारे हैं और चार कोने। अच्छा अब बताइए, इस घड़ी के कितने किनारे और कितने कोने हैं? और इसके क्या फर्क है दोनों घड़ियों में? बताइए बताइए। ओहो, एक में चार किनारे और चार कोने हैं, दूसरे में एक किनारा है, लेकिन कोना एक भी नहीं। वैसे तो मैं साइकिल की बातें कर रही थी, लेकिन इन कोनों और किनारों से मुझे काफी कुछ नया जानने को मिल गया। किनारे दो प्रकार के होते हैं, सीधे और घुमावदार। और जहां दो और दो से ज्यादा किनारे मिलते हैं उसे हम कोना कहते हैं। चलो फिर मिलूंगी अगली बार कोनों और किनारों की नई और मजेदार बातों के साथ। बाय।